बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इमरान खान की लॉन्ग मार्च का चौथा दिन खत्म हो चुका है जबकि पांचवा दिन शुरू है। कल दिन के आगाज पर ही कप्तान को दो बहुत बड़ी खुशखबरियां मिली। एक जानब तो इलेक्शन कमीशन अब शदीद मुश्किलात का शिकार होने जा रहा है और इमरान खान का शिकार करने वाला इलेक्शन कमीशन खुद फंस चुका है। वहीं दूसरी जानिब कप्तान को वो खबरें मिली हैं कि कंटेनर पर जिन खबरों का इमरान खान को इंतजार था। नाज़रीन कराम, इमरान खान का लॉन्ग मार्च और उस लॉन्ग मार्च के चार दिन इख्तिताम पजीर हो चुके हैं। आज पांचवा दिन शुरू है और जुमे तक इस लॉन्ग मार्च ने इस्लामाबाद पहुंचना है। इम्पोर्टेड हुकूमत के दिन तो गिने जा चुके हैं। मैं लॉन्ग मार्च की ताज़ा तरीन सूरत हाल भी आपके सामने रख देता हूं, लेकिन जो कामयाबियों के झंडे इस वक्त कप्तान गाड़ चुके हैं वो कामयाबियां इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर चीज़ों के सही डायरेक्शन में जाने की तरफ भी एक इशारा कर रही हैं। और ज़ाहिरी बात है कि बहुत से मामलात में इमरान खान को गिराने, इमरान खान को नीचे लाने की कोशिश की गई। एक जानब इमरान खान का हकीकी आज़ादी मार्च आज पांचवें रोज भी अपनी मंजिल की जानब सफर का आगाज कर चुका है। कल पीटीआई चेयरमैन इमरान खान मार्च की क्यादत करने के लिए कामोकी पहुंचे। इमरान खान जमान पार्क से कामोकी पहुंचे। कामोकी सिटी चौक पहुंचने पर कारकुनों ने इमरान खान का पुरतपाक इस्तकबाल किया और उन पर फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। मरकजी कायदीन कंटेनर पर इमरान खान के साथ मौजूद थे, जिनमें फैसल जावेद, एजाज चौधरी, शहबाज गिल, डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां असलम इकबाल और अंदलीब अब्बास शामिल हैं। कल इमरान खान के हवाले से तीन अहम मुकदमात की समाअत हुई और इस्लामाबाद की मुख्तलिफ अदालतों में ये समाअत हुई। एक जानब इमरान खान का लॉन्ग मार्च जारी था तो शहर इकतदार में ये तीन बड़ी डिवेलपमेंट्स थी और इनमें से एक तरफ तोशा खाना नाअहली केस के खिलाफ पीटीआई चेयरमैन की दरख्वास्त की समाअत हुई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक इमरान खान की समाअत पर दरख्वास्त पर समाअत उन्होंने की। इसके अलावा इमरान खान के खिलाफ ममनुआ फंडिंग केस की समाअत इस्लामाबाद की बैंकिंग कोर्ट और खातून जज जेबा चौधरी को धमकी देने के केस में इमरान खान की जमानत में तौसी का केस इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में था। तो ये तीन केसेस कल लॉन्ग मार्च के चौथे रोज थे। मैं इन सब केसेस की तफसीलात भी आपके सामने रख देता हूं। सबसे दिलचस्प मामला यह है कि इमरान खान को नाअहल किया गया इमरान खान की असम्बली की रुकनियत मियांवाली से, जहां वो MNA थे, जहां से वो जीते थे, उसके बाद दीगर 6 सीटें भी वो जीते, या जो भी मामला था वो नशिस्त जैसे ही नाअहली के जरिए खाली हुई तो इलेक्शन कमीशन ने फुर्ती दिखाई और खान साहब को नाअहल करवाने के साथ ही वहां पर इलेक्शन करवाने की कोशिश की गई। अब दिलचस्प मामला यह है कि इमरान खान इस वक्त चारों सूबों से रुकने कौमी असम्बली हैं और कल कौमी असम्बली के हलका NA 45 कुरम के जिमनी इंतखाबात में भी इमरान खान ने जब मैदान मारा तो उसके बाद फवाद चौधरी ने यह स्टेटमेंट दी कि आज इमरान खान अवाम की आवाज बन चुका है, चारों सूबों की पहचान बन चुका है और बंद कमरों के पीछे जो फैसले करते हैं उनके लिए ये धचका है। अब यहां पर अदालत ने फॉरेन फंडिंग केस और दहशतगर्दी के मुकदमे में, जो मैंने आपको शुरू में बताया कि तीन मुकदमात हैं, इलेक्शन कमीशन को धचका लगा है, लेकिन अदालत ने फॉरेन फंडिंग केस और दहशतगर्दी के मुकदमे में पीटीआई चेयरमैन इमरान खान की अबूरी जमानत में तौसी कर दी है। तफसीलात के मुताबिक बैंकिंग कोर्ट इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ ममनुआ फंडिंग केस की समाअत हुई। समाअत बैंकिंग कोर्ट की जज रक्षिंदा शाहीन ने की और प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बास अदालत में पेश हुए। प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी ने बताया कि इमरान खान ने हिफाजती जमानत हाईकोर्ट से हासिल की। इमरान खान के वकील ने हाजिरी से इस्तेसना की दरख्वास्त दायर की और वकील इंतजार पंजोता ने कहा कि इमरान खान लाहौर में लॉन्ग मार्च की क्यादत कर रहे हैं। केस का पहले हुदूद का इशू था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुदूद का तनाज़ा हल किया और इसमें इमरान खान की इस केस में 10 नवंबर तक हाजिरी से इस्तेसना की दरख्वास्त मंजूर हुई और अबूरी जमानत में 10 नवंबर तक तौसी कर दी गई।
दूसरी जानब इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने इमरान खान के खिलाफ थाना तरनौल में दर्ज जो दहशत गर्दी का मुकदमा था उसकी भी समाअत की और जज राजा अब्बास ने समाअत की और इमरान खान के वकील बाबर आवान उस अदालत में पेश हुए और उन्होंने भी हाजिरी से इस्तेसना की दरख्वास्त दायर की और यहाँ पर इन्हें 9 नवंबर तक जमानत और हाजिरी से इस्तेसना मिला। अब ये सारा कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी जानब जो बड़ी खबर अदालत से इमरान खान के लिए बतौर खुशखबरी आई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना रेफरेंस में पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान की नाअहली के खिलाफ अपील समाअत के लिए मंजूर कर ली और NA 95 मियाँ वाली पर इलेक्शन कराने से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रोक दिया है और इसके अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक ने तोशाखाना रेफरेंस में इमरान खान की नाअहली के खिलाफ दरखास्त पर समाअत की। पीटीआई चेयरमैन की जानिब से बैरिस्टर अली जफर और अली गोहर अदालत में पेश हुए। समाअत के आगाज पर इमरान खान की अपील में दस्तावेजात रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की मुतफरिक दरखास्त मंजूर की गई। दौरान समाअत बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल देते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन ने दरखास्त गुजार को डीसीट कर दिया। अदालत ने इस्तफसार किया कि दरखास्त गुजार को किस नशीस से डीसीट किया गया। बैरिस्टर अली जफर ने जवाब दिया कि दरखास्त गुजार को हल्का NA 95 मियाँ वाली से डीसीट किया गया। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या ये रेफरेंस स्पीकर कौमी असम्बली से 63(2) के तहत आया। बैरिस्टर अली जफर ने जवाब दिया कि स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से रेफरेंस आया और इलेक्शन कमीशन ने आर्टिकल 63(p) के तहत नाअहली की। अदालत ने इस्तफसार किया कि अगर स्पीकर को पता लगे कि एक रुकन कौमी असम्बली सजा याफ्ता है तो क्या वो खुद डी सीट कर सकता है, क्या ये रेफरेंस स्पीकर ने खुद बनाया या किसी ने कोई दरखास्त दी थी। उन्होंने रेफरेंस में कहा कि सादिक को अमीन नहीं रहे तो हम रेफरेंस भेज रहे हैं। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने सादिक को अमीन को नहीं देखा। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम किसी को भी इलेक्शन एक्ट के तहत नाअहल कर सकते हैं। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या गोशवारे हर रुकने कौमी असम्बली सालाना जमा कराते हैं। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि हर साल अरकान कौमी व सूबाई असम्बली और सेनेट के अरकान को गोशवारे जमा कराने होते हैं। अगर किसी ने कोई चीज बेच दी तो उसे जमा करने या बताने की जरूरत नहीं। अगर आप गोशवारे जमा नहीं कराते तो आपकी रुकनियत मुअत्तल हो जाती है। बैरिस्टर अली जफर ने इस्तदा की कि इमरान खान की नाअहली का फैसला मुअत्तल किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हल्का NA 95 मियाँ वाली पर इलेक्शन कराने से रोक दिया और इमरान खान की अपील पर फरीकैन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। बाद हजां केस की समाअत 10 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। तो NA 95 पर जो इलेक्शन कराना था वो रुक चुका है। टेक्निकली देखा जाए तो वो सीट अभी भी इमरान खान के पास है, यानी आप कह सकते हैं कि जो अदालतों की एक टेंशन सी थी खान साहब को, कहीं से जमानत कहीं से कुछ, तो 9 नवंबर तक एक अदालत जबकि 10 नवंबर तक दूसरी अदालत ने जमानत दी है और नाअहली केस में भी 10 नवंबर को अगली समाअत है। तो अब इमरान खान 10 नवंबर तक क्लियर हैं, अदालतों से उन्हें मुस्बत खबरें मिली हैं और अब वो खुलकर और बड़े एहसन तरीके से लॉन्ग मार्च पर तवज्जो दे सकते हैं और अपने मामले को उसी तरीके से आगे लेकर चल सकते हैं। अब जरा खुल के इंपोर्टेड हुकूमत की दीवार को आखिरी धक्का देंगे खान साहब और बहुत जल्द इस्लामाबाद भी पहुंचना है खान साहब ने, जबकि दूसरे कैंप में परेशानियां, घबराहट और फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है, आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।